सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता शिवराम सिंह वडहरी ने बताया कि केंद्र सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा रामपुर बागेलान द्वारा अविश्वास दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार श्रीमती सविता यादव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जिस लिखित आश्वासन के द्वारा देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था, परंतु सरकार द्वारा लिखित आश्वासन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज निम्न बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया है। MSP पर कमेटी बनाकर गारंटी कानून बनाया जाए, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवार को सहायता राशि एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर लगे मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टीनी को बर्खास्त किया जाए आदि मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।